केजरीवाल के कोर्ट जाने की खबर में आया नया मोड़। एक झटके में आपने ईडी को घेर लिया। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा 8 बार समन भेजा जा चुका है। वहीं 8 के 8 बार अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन पर ईडी दफ्तर जाकर पूछताछ करने के लिए मना कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से ईडी अगर पूछताछ करना चाहती है तो मैं तैयार हूं। लेकिन ईडी ने मना कर दिया और वो फिर से कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने को कहा है और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी करते हुए कहा कि 16 मार्च को वो कोर्ट में पेश हों। जिसके बाद दिल्ली की राजनीति गर्मा गई। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी को न कोर्ट पर भरोसा है और न कोर्ट की तारीख पर। जब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने को कहा है तो उससे पहले कोर्ट जाने का क्या फायदा? ये सिर्फ ईडी खबरों में बने रहने के लिए कर रही है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। अब आइए पहले सुनते हैं कि सौरभ भारद्वाज ने आखिर मीडिया के पूछे गए सवालों का किस तरह जवाब दिए और अरविंद केजरीवाल के कोर्ट जाने की खबर पर क्या कहते हुए दिखाई दिए। ईडी कोर्ट गए थे दोबारा, फिर से 16 तारीख को पेश होने के लिए कहा है कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को। दोबारा ईडी कोर्ट गई है शिकायत की समन पर हाजिर नहीं। देखिए, ईडी तो कई बार कोर्ट जा चुकी है, मगर समस्या ये है ना, ईडी को कोर्ट पे भरोसा है ना ईडी को कोर्ट की तारीखों पे भरोसा है। कोर्ट ने जब 16 तारीख अरविंद केजरीवाल जी को दे रखी है, उसके बावजूद वो समन भेजे जा रहे हैं, फिर उन समनों को लेके वो बार बार कोर्ट जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए ईडी कर रहा है। तो सुना आपने किस तरह सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल के कोर्ट जाने की खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बर्डियार की रिपोर्ट।